Hi, this is Kashi. Welcome to my channel, Kashi Home Decor Idea. हमारा previous video इस तरह की texture bottle पर था. अगर आपने अभी तक ये video नहीं देखा है, तो please जाकर जरूर देखें. Link description में दे दिया जाएगा. आज के video के लिए हमने choose किया है इस तरह की wine bottle. और लिया है एक masking tape. और bottle के दोनों side में masking tape लगाया है. इसी तरह बॉटल के दूसरी साइड में भी इस तरह से मास्किंग टेप लगाना है. नेक्स्ट स्टेप के लिए मास्किंग टेप को इस तरह से बीच में से हाफ कट कर लीजिए. अब इसे बॉटल पर इस तरह से लगा दीजिए. बॉटल के दूसरी तरफ मास्किंग टेप को थोड़े से डिफरेंट करके लगाया है. आप चाहे तो दोनों साइड एक सही डिज़ाइन बना सकते हैं. बॉटल पर टेक्सचर देने के लिए हम यहाँ यूज़ करेंगे वालकियर पुट्टी. इससे पहले भी हम टेक्सचर के लिए वालकियर पुट्टी का यूज़ कर चुके हैं. टेक्सचर पेस्ट को बॉटल पर इस तरह से स्प्रेड कर लिया है. और यहाँ लिया है हमने इस तरह से फ्लैट ब्रश और हम इस ब्रश का इस बार आगे से यूज करेंगे. इससे डिजाइन ज्यादा स्मूथ और फ्लोइंग लग रही है. दिखाए गए तरीके से ब्रश को मूवमेंट देते हुए डिजाइन तैयार करते जाइए. सेम तरीके से बॉटल के चारों तरफ डिजाइन तैयार किया है. चारों तरफ डिजाइन तैयार हो गया है और अब बारी है मास्किंग टेप को रिमूव करने की. मास्किंग टेप रिमूव होने के बाद इसे हमने ओवरनाइट सूखने के लिए छोड़ दिया है. अगर टेक्सचर अनइवन हो गया है तो बॉटल को इस तरह से क्लीन कर लीजिए. यहाँ हमने लिया है सैंडपेपर. यहाँ टेक्सचर को बहुत ही हल्के हाथ से सैंडपेपर से रब करना है. अब डस्ट को ब्रश अप किया है.
अब दोनों टेक्सचर के बीच में मास्किंग टेप लगाया है और इस तरह से दोनों साइड नजर आएगी। अब यहाँ लिया है ब्लैक एक्रेलिक कलर, इसे टेक्सचर पे करके इस तरह से सुखा लीजिए। अब यहाँ लिया है कॉपर मेटेलिक कलर, इसे टेक्सचर के दोनों एजेस पर फोम ब्रश की हेल्प से पेंट किया है। आप इसकी जगह फोम का भी यूज कर सकते हैं। कॉपर कलर को फिंगर पर लगा के टैप करते हुए टेक्सचर पर लगाते जाइए। इस तरह कलरिंग करने से टेक्सचर की डिटेलिंग नजर आने लगती है। इसी मेथड को पूरे टेक्सचर पर अप्लाई किया है। टेक्सचर पर कलरिंग का काम पूरा हो चुका है, अब इसे सूखने के लिए छोड़ना है और अब बारी है टेप निकालने की। अब इसका टेप रिमूव करते हैं। और यहाँ लिया है रेड ग्लिटर कलर इस तरह के ट्यूब में। अब यहाँ टेक्सचर के एजेस में कौन से डॉट बनाए हैं, अब हमने यूज किया है ब्लैक 3D कोन। कलर को पूरी तरह से सूखने के लिए छोड़ना है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी बॉटल बनकर तैयार हो गई है और ये है हमारी बॉटल का लुक। तो ये थी मेरी छोटी सी ट्रिक और फुल फिनिश्ड बॉटल तैयार। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। तो फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।